हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में, आज की वीडियो में। मैं हूँ प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास बहुत ज़्यादा काम आने वाली है क्योंकि आज पढ़ने वाले हैं रोज़ के सवाल और जवाब। सवाल जानेंगे, जवाब भी जानेंगे, क्योंकि नहीं पता ना कब आपको सवाल की ज़रूरत पड़ जाए और कब जवाब की। तो भाई सवाल और जवाब जब साथ में जानेंगे तब सही मायने में अंग्रेजी हम लोग बोल पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए। आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो भाई चलिए शुरू करें आज की क्लास। और इसी के साथ ही सबसे पहला सवाल है हमारे पास, क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? तो भाई इसका जवाब क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल जवाब क्या क्या हो सकते हैं, मैं वो सारे जवाब आपको बताऊंगी। सबसे पहला चीज जो है, जवाब या तो हो सकता है हाँ या तो हो सकता है ना। ठीक है, क्या बोलेंगे? हाँ मैं आ रहा हूं, यस आई एम कमिंग। हाँ मैं आ रहा हूं, यस आई एम कमिंग। या फिर आप कहेंगे नहीं मैं नहीं आ रहा हूं, नो आई एम नॉट कमिंग। नहीं मैं नहीं आ रहा हूं, नो आई एम नॉट कमिंग। बढ़ते हैं आगे। क्या मुझे इसे लाना चाहिए? आपको किसी ने कोई सामान लाने को दिया, आप पूछ रहे हैं क्या मुझे इसे लाना चाहिए। जवाब हो सकता है हाँ या ना। हाँ यकीनन या श्योर, यानी कि हाँ यकीनन या श्योर। या फिर नहीं जरूरत नहीं है, नो नॉट नीडेड। नहीं जरूरत नहीं है, नो नॉट नीडेड। बढ़ते हैं आगे। क्या हाल है या आप कैसे हैं? हाउ आर यू। क्या हाल है या आप कैसे हैं? हाउ आर यू। जवाब, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। या फिर मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूं, आई एम अ लिटिल अनवेल। मैं थोड़ा सा अस्वस्थ हूं, आई एम अ लिटिल अनवेल। बढ़ते हैं आगे। क्या तुम्हें समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? क्या तुम्हें समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? जवाब क्या होगा? हाँ पूरी तरह से, यस कंप्लीटली। हाँ पूरी तरह से समझ गए भाई, यस कंप्लीटली। या फिर नहीं, क्या आप फिर से समझा सकते हैं? नो कैन यू एक्सप्लेन अगेन। या तो आप समझेंगे या तो आप नहीं समझेंगे। अगर समझ गए तो भाई हामी भर दीजिए कि हाँ पूरी तरह से समझ गया, यस कंप्लीटली। अगर नहीं समझे तो फर्ज क्या बनता है? दोबारा पूछ लें। नो कैन यू एक्सप्लेन अगेन। नहीं, क्या आप फिर समझा सकते हैं? बढ़ते हैं आगे। क्या मतलब है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन। या क्या मतलब, दोनों एक ही बात है, अंग्रेजी अनुवाद दोनों का सेम रहेगा। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब। अब जवाब, मेरा मतलब यह है, आई मीन दिस। उसके बाद जो भी आपका मतलब है वो आप बता दें। मेरा मतलब यह है कि, आई मीन, उसके बाद जो भी आप बता दें। या फिर मतलब कुछ नहीं, आई मीन नथिंग। मतलब आपको उसको बताने का मन नहीं है, है ना। मतलब कुछ नहीं, आई मीन नथिंग। बढ़ते हैं आगे। क्या आप अंदर हैं? आर यू इनसाइड? क्या आप अंदर हैं? आर यू इनसाइड? जवाब, हाँ प्लीज वेट। हाँ कृपया प्रतीक्षा करें। मतलब आप प्रतीक्षा करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप खुद बाहर आने वाले हैं, इसीलिए आप बोल रहे हैं। या तो इसका जवाब होगा नो। क्या आप अंदर हैं? अगर देखिए यहाँ पे सवाल का जवाब नो होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर आप किसी रूम के अंदर हैं और आपसे कोई पूछ रहा है क्या आप अंदर हैं, तो ही आप जवाब देंगे हाँ कृपया प्रतीक्षा करें, या फिर हाँ मैं बाहर आ रहा हूँ। अगर आप अंदर हैं ही नहीं तो आप नहीं का जवाब कैसे देंगे? तब तो कोई जवाब नहीं देगा, है ना। आर यू इनसाइड? क्या आप अंदर हैं? हाँ यानी कि यस प्लीज वेट। बढ़ते हैं आगे। मे आई अकम्पनी यू? क्या मैं आपका साथ दूं? मे आई अकम्पनी यू? क्या मैं आपका साथ दूं? जवाब, या तो हाँ होगा या तो ना, यानी कि हाँ यकीनन या श्योर। हाँ यकीनन या श्योर। या फिर नहीं मैं ठीक हूँ, नो आई एम ओके। नहीं मैं ठीक हूँ, नो आई एम ओके। ठीक है, यहाँ पे नहीं मैं ठीक हूँ मतलब आपको उसका साथ जो है वो नहीं चाहिए। ठीक है, आई एम ओके होगा, नहीं मैं ठीक हूँ। बढ़ते हैं आगे। व्हेन डिड यू कम? तुम कब आए? व्हेन डिड यू कम? तुम कब आए, आप किसी से पूछ रहे हैं कि वो इंसान कब आया, जवाब क्या होगा? आई केम यस्टरडे, टुडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कुछ भी हो सकता है। क्यों? यस्टरडे का मतलब क्या बताया था मैंने? यस्टरडे का मतलब बताया था बीता हुआ कल। टुडे का मतलब क्या बताया था? टुडे का मतलब आज। लास्ट वीक का मतलब क्या बताया था? पिछले सप्ताह। लास्ट मंथ का मतलब क्या बताया था? पिछले महीने। तो भाई वोकैबुलरी वाली क्लास नहीं देखी है तो बिल्कुल जाइए और देखिए, क्योंकि वहीं पर पता चलेगा कि यस्टरडे, टुडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ का क्या अर्थ होता है। तो भाई वापस आते हैं इस सवाल पे कि तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। मैं कल आया, मैं आज आया, मैं पिछले हफ्ते आया, क्या हो जाएगा? आई केम यस्टरडे, आई केम टुडे, आई केम लास्ट वीक, एटसेट्रा। यानी कि इसके आगे आप बोल सकते हैं मैं पिछले महीने आया, मैं पिछले साल आया था। ठीक है, ये सारी बातें आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। दिनेश कहाँ है? वेयर इज दिनेश। दिनेश कहाँ है? वेयर इज दिनेश। या तो आप जवाब दे सकते हैं मुझे नहीं पता, यानी कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। या फिर वह अंदर है, ही इज इनसाइड। वह अंदर है, ही इज इनसाइड। हु इज इट? कौन है ये? या यह कौन है? हु इज इट? यह कौन है या कौन है यह? जवाब वह मेरा, मैंने यहाँ पे ब्लैंक रख छोड़ा है। क्यों? क्योंकि वो कौन है वो आप जवाब देंगे। वह मेरा भाई है, वो मेरी माँ है, वो मेरे पिता है, वो मेरे कलीग हैं, वो मेरे दोस्त हैं। आपके इच्छा अनुरूप आप यहाँ पे ब्लैंक में भर सकते हैं। अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही इज माई फादर, शी इज माई मदर, शी इज माई सिस्टर, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई फ्रेंड। आपकी इच्छा है, आप जो चाहे यहाँ पे भर सकते हैं, जिसके भी बारे में आप परिचय दे रहे हो उसके लिए। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। नाराज हो क्या आप? आर यू एंग्री? नाराज हो क्या आप? आर यू एंग्री? जवाब नहीं, मैं नहीं हूं, नो आई एम नॉट। नहीं, मैं नहीं हूं, नो आई एम नॉट। या फिर हाँ, मैं बहुत गुस्से में हूं, येस आई एम वेरी एंग्री। हाँ, मैं बहुत गुस्से में हूं, येस आई एम वेरी एंग्री। क्या तुम एक काम करोगे? विल यू डू वन थिंग? क्या तुम एक काम करोगे? विल यू डू वन थिंग। जवाब में या तो हाँ आप बोलेंगे कि हाँ मुझे बताओ, येस टेल मी, हाँ मुझे बताओ, येस टेल मी, मतलब आप उसका काम करेंगे। या फिर नो आई विल नॉट डू, नहीं मैं नहीं करूंगा, नो आई विल नॉट डू, नहीं मैं नहीं करूंगा। क्या आज कोई छुट्टी है? इज इट अ हॉलीडे टुडे? क्या आज कोई छुट्टी है? इज इट अ हॉलीडे टुडे? जवाब या तो हाँ होगा या तो नहीं। नहीं होगा अगर जवाब तो सिंपली आप बोलेंगे नो। क्या आज कोई छुट्टी है? नो। या फिर होगी तो हाँ। लेकिन अगर जो छुट्टी, जिस बात की छुट्टी होगी उस बात को आप मेंशन कर दीजिएगा तो आंसर आपका जो जवाब है वो और भी बेहतर हो जाएगा। जैसे हाँ आज गणतंत्र दिवस है, यस टुडे इज रिपब्लिक डे। हाँ आज गणतंत्र दिवस है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या तुम्हें पता है? डू यू नो। क्या तुम्हें पता है? डू यू नो। आपसे कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है? डू यू नो। जवाब हाँ मुझे सब पता है, येस आई नो एवरीथिंग। हाँ मुझे सब पता है। यहाँ पे किसी मुद्दे के बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है? हाँ मुझे सब पता है, येस आई नो एवरीथिंग। या फिर नहीं मुझे कोई पता नहीं है, नो आई हैव नो आइडिया। नहीं मुझे कोई पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है, नो आई हैव नो आइडिया। तुम नहीं जाओगे? वोंट यू गो? क्वेश्चन मार्क। तुम नहीं जाओगे? वोंट यू गो? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नो आई विल नॉट गो। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नो आई विल नॉट गो। या फिर हाँ मैं कल तक जाऊंगा, येस आई विल गो बाय टुमारो। हाँ मैं कल तक जाऊंगा, येस आई विल गो बाय टुमारो। बढ़ते हैं आगे। क्या परेशानी है? व्हाट इज द ट्रबल? क्या परेशानी है? व्हाट इज द ट्रबल। जवाब क्या होगा? कोई परेशानी नहीं है, देयर इज नो ट्रबल। कोई परेशानी नहीं है, देयर इज नो ट्रबल। या फिर अगर आपकी इच्छा हो, अगर कोई परेशानी हो और अगर आप बताना चाहें तो आई एम फेसिंग, उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम बता दीजिएगा। मैं डैश का सामना कर रहा हूं, मैं ब्लैंक का सामना कर रहा हूं, जो भी आपकी समस्या है वहां पे वो आ जाएगा। आई एम फेसिंग दिस। ठीक है, क्या हम शुरुआत करें? शैल वी बिगिन? क्या हम शुरुआत करें? शैल वी बिगिन। जवाब हाँ क्यों नहीं, येस वाई नॉट। यानी कि आप हामी भर रहे हैं, हाँ क्यों नहीं, येस वाई नॉट। या फिर आप कह सकते हैं कैन वी वेट फॉर। जैसे मान के चलिए आप लोग दोस्त हैं, दोस्तों में 4-5 लोगों का ग्रुप है, उसमें से एक दोस्त नहीं आया है, मान के चलिए रोहन नहीं आया है, तो उनमें से सारे लोगों ने कहा कि चलें शुरुआत करें। तो आपने क्या कहा कि क्या हम रोहन की प्रतीक्षा कर सकते हैं, कैन वी वेट फॉर रोहन। क्या हम रोहन की प्रतीक्षा कर सकते हैं, कैन वी वेट फॉर रोहन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तुम्हारा परिवार कैसा है, हाउ इज योर फैमिली या हाउ इज द फैमिली। तुम्हारा परिवार कैसा है, हाउ इज योर फैमिली या हाउ इज द फैमिली। आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। जवाब, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन या सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड। आपकी इच्छा है, आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर इट। कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको कोई कुछ करने के लिए बोल रहा है पर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना है। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, यही आता है सवाल दिल में, व्हाट कैन आई डू फॉर इट। मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू फॉर इट। जवाब, आप मदद कर सकते हैं, यू कैन हेल्प। आप मदद कर सकते हैं, यू कैन हेल्प। अब हम कहाँ हैं, वेयर आर वी नाउ। अब हम कहाँ हैं, वेयर आर वी नाउ। जब हम लोग कहीं ट्रैवल पे जाते हैं तब हमारे दिल में ये सवाल आता है, हमारी गाड़ी रुकती है कि अभी हम कहाँ हैं, वेयर आर वी नाउ। जवाब, वी आर एट डैश राइट नाउ। ब्लैंक में आप कुछ भी डाल दीजिए। मान के चलिए आप घूमने जा रहे हैं, आप जलंधर पे आपकी गाड़ी रुकी है, वी आर एट जलंधर राइट नाउ। हम अभी जलंधर में हैं, हम अभी जलंधर पर है, जलंधर में है, वी आर एट जलंधर राइट नाउ। यहाँ किस लिए आए, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। यहाँ किस लिए आए, What brings you here? मैं यहाँ काम के लिए हूँ, I am here for work. मैं यहाँ काम के लिए हूँ, I am here for work. बढ़ते हैं आगे। क्या उसके पास कार है, Has he got a car? क्या उसके पास कार है, Has he got a car? जवाब होगा या तो होगी कार या तो नहीं होगी कार। नहीं होगी तो आप सिंपल बोलेंगे नहीं है, यानी कि नो। अगर होगी तो हो सकता है आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दें कि कैसी कार है। हाँ, उसके पास एक लग्जरी कार है, येस ही हैज़ अ लग्जरी कार। हाँ, उसके पास एक लग्जरी कार है, येस ही हैज़ अ लग्जरी कार। बढ़ते हैं आगे। क्या तुम मजाक कर रहे हो, आर यू किडिंग। क्या तुम मजाक कर रहे हो, आर यू किडिंग। नहीं, मैं बहुत गंभीर हूँ, यानी कि मैं बहुत सीरियस हूँ, नो आई एम वेरी सीरियस। नहीं, मैं बहुत गंभीर हूँ, नो आई एम वेरी सीरियस। कैसे जाना है, हाउ टू गो। किसी से पूछ रहे हैं कि आपको कहीं जाना है और वो पूछ रहे हैं आप कि कैसे जाना है, हाउ टू गो। कैसे जाना है, हाउ टू गो। चलो बस से चलते हैं, लेट्स गो बाय बस। चलो बस से चलते हैं, लेट्स गो बाय बस। किससे मिलना है, whom to meet। किससे मिलना है, whom to meet। मैं श्री शर्मा से मिलने के लिए यहाँ हूँ, आई एम हियर टू मीट मिस्टर शर्मा। मैं यहाँ शर्मा जी से मिलने आया हूँ या मैं श्री शर्मा से मिलने के लिए यहाँ पर हूँ, आई एम हियर टू मीट मिस्टर शर्मा। कौन है वहाँ, कौन है वहाँ, हु इज देयर। आप जवाब में कह सकते हैं, आई एम रोहन। कब बोलना है, व्हेन टू स्पीक। कब बोलना है, व्हेन टू स्पीक। आप अभी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक राइट नाउ। आप अभी बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक राइट नाउ। क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। कोई बात नहीं है, देयर इज नो मैटर। कोई बात नहीं है, देयर इज नो मैटर। डू यू नीड एनीथिंग। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है, डू यू नीड एनीथिंग। क्या आपको किसी चीज की जरूरत है। हाँ, मुझे एक किताब चाहिए, येस आई नीड अ बुक। अब बुक के जगह पे आपको जो चाहिए आप बोल सकते हैं, है ना। मुझे एक कप कॉफी चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे सामान चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, आपकी इच्छा। हाँ, मुझे एक किताब चाहिए, येस आई नीड अ बुक। या फिर नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नो आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, नो आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू यू। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू यू। हाँ जरूर या श्योर। हाँ जरूर या श्योर। या फिर नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, नो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। नो आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। व्हाट्सअप दीज डेज, इन दिनों क्या चल रहा है। व्हाट्सअप दीज डेज, इन दिनों क्या चल रहा है। कुछ खास नहीं, हमेशा की तरह, नथिंग स्पेशल एज यूजुअल। नथिंग स्पेशल एज यूजुअल। क्या सोच रहे हो, वॉट आर यू थिंकिंग। क्या सोच रहे हो, वॉट आर यू थिंकिंग। मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। मेरे पिता आ रहे हैं, माई डैड इज कमिंग। मेरे पिताजी आ रहे हैं. माई डैड इज कमिंग. आप कहाँ हैं? वेयर आर यू. आप कहाँ हैं? वेयर आर यू. आई एम एट द ऑफिस. मैं दफ्तर में हूँ. आई एम एट द ऑफिस. मैं दफ्तर में हूँ. आपकी यात्रा कैसी रही? हाउ वॉज योर जर्नी. आपकी यात्रा कैसी रही? हाउ वॉज योर जर्नी. मेरा सफ़र अच्छा रहा. माई जर्नी वॉज गुड. मेरा सफ़र अच्छा रहा. माई जर्नी वॉज गुड. तुम्हारा पता क्या है? एड्रेस. व्हाट इज योर एड्रेस. तुम्हारा पता क्या है? व्हाट इज योर एड्रेस. जवाब. मैं 6/7 बंगलो जूहू गली देहरादून में रहता हूँ. यहाँ पे आप अपना पता बताएंगे. मैंने ये पता लिया है, आप अपना पता बताएंगे. ठीक है. आई स्टे एट 6/7 बंगलो जूहू स्ट्रीट देहरादून. समझ में आ गई बात. चलिए बढ़े आगे. आप कहाँ रहते हैं? आई लिव इन गोवा. आप कहाँ रहते हैं? आई लिव इन गोवा. वेयर डू यू लिव? आई लिव इन गोवा. मैं गोवा में रहता हूँ. वेयर डू यू लिव? आई लिव इन गोवा. आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू. आपकी उम्र क्या है? हाउ ओल्ड आर यू. मैं 25 साल का हूँ. आई एम 25 ईयर्स ओल्ड. मैं 25 साल का हूँ. आई एम 25 ईयर्स ओल्ड. तुम कब पैदा हुए थे? तुम कब पैदा हुए थे? आई वॉज बॉर्न ऑन 10 दिसंबर 1998. मेरा जन्म 10 दिसंबर 1998 को हुआ था. आपका टेलीफोन नंबर क्या है? व्हाट इज़ योर टेलीफोन नंबर. आपका टेलीफोन नंबर क्या है? व्हाट इज़ योर टेलीफोन नंबर. मेरा नंबर, उसके बाद आप अपना नंबर बोल दीजिए. माई नंबर इज, उसके बाद आप अपना नंबर बोल दीजिए. ठीक है. चलिए बढ़े आगे. आप क्या काम करते हैं? व्हाट इज़ योर जॉब. आप क्या काम करते हैं? व्हाट इज़ योर जॉब. आई एम एन इंग्लिश टीचर. मैं एक अंग्रेजी शिक्षक हूँ. आई एम एन इंग्लिश टीचर. आप कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो. आप कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो. आई वेंट टू द मार्केट. मैं बाजार गया. आई वेंट टू द मार्केट. तुमने क्या खरीदा? व्हाट डिड यू बाय. तुमने क्या खरीदा? व्हाट डिड यू बाय. वी बॉट सम राशन. हमने कुछ राशन खरीदा. वी बॉट सम राशन. हमने कुछ राशन खरीदा. वेयर वर यू. तुम कहाँ थे? वेयर वर यू. तुम कहाँ थे? आई वॉज इन सूरत. मैं सूरत में था. आई वॉज इन सूरत. मैं सूरत में था. क्या हम क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान कर सकते हैं? कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड. क्या हम क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान कर सकते हैं? कैन आई पे बाय क्रेडिट कार्ड. जरूर. हम नगद और कार्ड दोनों स्वीकार करते हैं. श्योर वी एक्सेप्ट बोथ कैश एंड कार्ड. क्या ये तुम्हारी किताब है? इज दिस योर बुक. क्या ये तुम्हारी किताब है? इज दिस योर बुक. जवाब. नहीं, मुझे लगता है कि ये उनकी किताब है. नो आई थिंक इट्स हिज बुक. या फिर आप कह सकते हैं, या तो अगर वो किताब आपकी होगी आप कहेंगे येस, या आपकी नहीं होगी तो आपको अगर पता होगा तो आप बताएंगे आगे इस इंसान की है. नहीं, मुझे लगता है कि ये उनकी पुस्तक है. नो आई थिंक इट्स हिज बुक. तुम कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. तुम कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. मैं ऑफिस से आ रहा हूँ. आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस. मैं ऑफिस से आ रहा हूँ. आई एम कमिंग फ्रॉम द ऑफिस. क्या तुम बीमार हो? आर यू इल. क्या तुम बीमार हो? आर यू इल. हाँ, मुझे बुखार हो रहा है. येस आई एम हैविंग अ फीवर. या फिर नहीं, मैं ठीक हूँ. नो आई एम फाइन. नहीं, मैं ठीक हूँ. नो आई एम फाइन. अगला सवाल. तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग. तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग. मैं बाजार जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द मार्केट. मैं बाजार जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू द मार्केट. और अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल. क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश. क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? आर यू लर्निंग इंग्लिश. तो भाई इसका जवाब भी आपको ही लिखना है. क्या लिखेंगे जवाब? हाँ मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ. येस आई एम लर्निंग इंग्लिश. हाँ मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ. येस आई एम लर्निंग इंग्लिश. भाई दोनों ही सवाल हैं आपके सामने और जवाब मैंने छोड़ रखा है आपके लिए ताकि आप कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब लिख के बताएं. तो बताइए भाई, आर यू लर्निंग इंग्लिश? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए. इसके साथ ही ये थी आज की क्लास. क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी? जल्दी से कर दीजिए कमेंट. सबसे पहले तो आंसर कमेंट कीजिए कि क्या है आंसर. आर यू लर्निंग इंग्लिश. क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं? जल्दी से मुझे बताइए. येस मैम आई एम लर्निंग इंग्लिश. ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में. और इसके साथ ही कर देना है क्लास को लाइक और कर देना है शेयर क्लास को. नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो वो भी कर लेना है जल्दी से, ताकि ये जब भी मैं ऐसी क्लासेस कराऊं और फ्री वाली कोर्सेज कराऊं आपको पता लग जाए। फ्री कोर्सेज से याद आया, क्या बेसिक प्लस वाली कोर्स मिल गई आपको? बेसिक प्लस कोर्स जो अभी अभी कराया है, फ्री, बिल्कुल फ्री, 15 दिनों की कोर्स कराई है अभी, वो कोर्स कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 15 तक करा चुकी हूँ। इस नंबर पर कर लीजिए व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो ये दोनों चीजें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। ये मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी खत्म हो चुका है, एक ही दिन का कोर्स है। इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, और उसके रूल्स, स्ट्रक्चर्स, सारी चीजें। ई बुक भी आ चुकी है, तो इसके लिए भी आपको करना है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज लिख करके कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। 3 किताबें बहुत जल्द आ रही हैं, साथ ही साथ पूरा का पूरा किट आ रहा है, तो इंतजार करिए। और जुड़ना चाहते हैं अगर आप हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कर लेनी है। क्या कोर्स है, आपकी एडमिशन कैसे हो सकती है, अगली बैचेस की कब शुरू हो रही है, बता दूं पहली चीज, बैचेस में ही एडमिशन होता है। बैचेस अगर नहीं हो रही होंगी तो आपकी एडमिशन नहीं हो पाएगी, अगली बैच जब शुरू होगी तब आपकी एडमिशन हो पाएगी, ठीक है। अगला है बेसिक ग्रामर कोर्स, ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है, तो इसके लिए भी आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करनी है। बच्चों को ग्रामर सिखाना है तो उसके लिए इस नंबर पर इंक्वायरी कर लेनी है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि स्कूल वाले बच्चों को राइटिंग सेक्शन, नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन राइटिंग, ईमेल राइटिंग, सारी चीजें कराई जाती हैं। साथ ही बेसिक ग्रामर भी कराया जाता है, इसकी इंक्वायरी भी आपको इस नंबर पर कर लेनी है। और अगर आप किसी भी ऐसे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए आपको इस नंबर में इंक्वायरी कर लेनी है। उसमें अगर अंग्रेजी पूछी जाती हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर के, वोकैबुलरी से लेकर के, बेसिक और एडवांस ग्रामर और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस, सारी चीजें कराई जाती हैं, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे, कोर्स का नाम लेकर के इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with B Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to B Banker.